हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं आपके साथ नीलम दंगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरण। इससे पहली दो लेक्चर में हमने यूनिट 7 कंप्लीट डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज इसमें हम जानेंगे व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना है बीजीय व्यंजक क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। तो चलिए जानते हैं व्यंजकों का गुणनफल। जब दो या दो से अधिक व्यंजकों की आपस में गुणा की जाती है, जो प्राप्त फल होता है वह हमारा गुणनफल कहलाता है, और जिन व्यंजकों की गुणा की जाती है वह हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। कैसे, मैं उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। जैसे हमारी कोई संख्या है 4, और उनके गुणनखंड के रूप क्या हो गए, 2 × 2 हो गए, और हमारे जो गुणनखंड हो गए वे क्या हो गए, 2 और 2 हो गए। अगर मैं कहूँ अगर हमारी संख्या है x y square, तो x y square के जो गुणनखंड के रूप होंगे वह क्या होंगे, x × y × y, और हमारे x y square के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x y y। अगर हमारी कोई संख्या है 2xyz, तो इसके गुणनखंड के रूप क्या हो जाएंगे, 2 × x × y × z, और इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, गुणनखंड लिखेंगे हम 2xyz। तो इस प्रकार आपको समझ आया होगा कि गुणनफल क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। आप दोबारा से फिर देख लीजिए। जब हम किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों की आपस में गुणा करते हैं, तो जो हमारा गुणा करने के बाद जो हमारा फल प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहा जाता है, और जिन व्यंजकों को गुणा किया जाता है वे गुणनखंड कहलाते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। ओके, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। इस चैप्टर में आपके बहुत प्रकार के क्वेश्चन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टाइप के प्रकार सवालों के प्रकार को अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे आपका एक भी डाउट न रहे। तो सबसे पहले जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक को समझने के लिए हमें पहले समझना है चर और अचर। चर और अचर, चर क्या होता है, अल्फाबेटिकल अक्षर, जैसे A B C X Y Z, ये हमारे अल्फाबेटिकल अक्षर होते हैं। ये हमारे अचर पद है, क्योंकि इनका कोई भी निश्चित मान नहीं होता, इनका मान बदलता रहता है, A का मान, B का मान, C का मान। अगर हमारे कोई भी अनिश्चित ऐसे वर्ड होते हैं, तो ये हमारे ABCD के लेटर्स हमारे चर पद होते हैं। अचर पद होते हैं 1 2 3 इनफाइनेट। तो आपको समझ आया होगा चर पद और अचर पद। अचर पद होते हैं संख्यात्मक मान। ओके, जब चर पद और अचर पद के बीच संक्रियाएं होती है, यानी संक्रियाएं यानी जोड़ घटा गुणा भाग, जब चर और अचर पदों के बीच संक्रियाएं होती है, तो उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कैसे, जैसे हमारा चर पद है 4 और चर पद है हमारा x, तो हमारा ये क्या हो गया, 4x इनके मध्य गुना है, तो 4 की x में गुना, तो ये क्या हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे मैं लिखूं 2xy² + 1, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। कैसे, इसमें दो अचर पद और चर पदों की गुणा की गई है, यहाँ गुणा की संक्रिया है। ओके, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बीजीय व्यंजक क्या है। जब चर पद और अचर पद के बीच संक्रिया होती है, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, और आपको इनको भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं जो आपको क्वेश्चंस में आते हैं। आप उनको नोट कीजिएगा या उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उन्हीं पर आधारित सभी प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे। एक एक सूत्र पर जैसे जिस टाइप के हमारे सवाल बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में
आते हैं उन्हीं को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको कुछ अच्छे से समझ आएगा। कुछ फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, जैसे a² माइनस b², ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। दूसरा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। थर्ड है आपका 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, फोर्थ है आपका a प्लस बी की पावर 3 का होल क्यूब, यानी a प्लस बी की पावर का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a प्लस बी। ओके, आपको अच्छे से क्लियर हुआ, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला है आपका a माइनस बी की बी का होल गल, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab a प्लस बी। इनको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और a प्लस बी की पावर 3 इसका होता है a³ प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab। और a माइनस बी तो इन्हीं पर आधारित जैसे आपका ये फॉर्मूला है, तो इसमें आपके किस प्रकार के सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, हम एक एक सूत्र पर आधारित सभी प्रकार के सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे तो आपके क्वेश्चन कंपटीशन में भी और वैसे भी आपके DLED में भी जरूर आते हैं। तो जैसे आप अभी सोल्व करिएगा साथ के साथ, a² माइनस 4b², इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो इनके गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर आपके याद है a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। देखिए कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में भी यह फॉर्मूला बना हुआ है, कैसे a² माइनस 4 को क्या लिख लेंगे हम 2b का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर हम 2b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होता है 2 × 4 और b² आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ हमारा सूत्र बन गया a² माइनस b² का a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम यहाँ पर इसको सारे को a मान लेते हैं और इसको सारे को b मान लेते हैं। ओके, और यह फॉर्मूला खोल देते हैं, a की जगह लिखेंगे यहाँ पर ये है a माइनस 2b, ये हमने सारे को इसको b माना, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b और a प्लस 2b। ओके, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर हमें दोबारा से समझाती हूँ, a² माइनस 4b², हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला बना हुआ है, जैसे a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है। तो
तो ये सारे पद को हम बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, ए की जगह ए और बी की जगह रखेंगे टू बी, तो ए माइनस टू और ए प्लस टू हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, जो इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेते हैं। ये बन जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, थ्री का, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये किसका है, एट का स्क्वायर, तो हमारा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही आप फॉर्मूला खोलेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे थ्री एक्स माइनस बी की जगह रखेंगे एट, और ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस एट, तो हमारे नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 64 के गुणनखंड हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एट थ्री एक्स प्लस एट। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ यह किस प्रकार के फॉर्मूले पर आधारित है, और उसी प्रकार के हम उनको गुणनखंड कर देंगे। दोबारा से समझाती हूँ, जैसे यहाँ नाइन एक्स स्क्वायर है, नाइन को क्या लिख लेंगे, तीन की पावर टू का मान नाइन होता है, थ्री गुना थ्री नाइन, और एक्स स्क्वायर है तो ऐसा थ्री एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और ये हो जाएगा एट का स्क्वायर, तो हम इस प्रकार इसका गुणनखंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 625। आपका ये क्वेश्चन है, आप इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ x है, इसमें क्या करते हैं कि हम x को बाहर ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया 36, यहाँ 3 पावर थी, 1 पावर हमने x के बाहर ले ली, तो क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया माइनस 625, ये x हमने कॉमन ले लिया बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 625। अब देखिए x ये किसका होल स्क्वायर है, 36 छः का, 6 x का होल स्क्वायर माइनस 625 किसका होल स्क्वायर है, 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर हम यहाँ से सोल्व करेंगे, x को बाहर रखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 6x माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 25, तो 6x माइनस 25 और 6x प्लस 25, तो इस प्रकार हमारा जो गुणनखंड आ जाएगा वह आ जाएगा x 6x माइनस 25 6x प्लस 25। आपको अच्छे से समझ आया होगा, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जैसे हमारा क्वेश्चन था 36x के पावर 3 माइनस 625x, हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो ऐसे डायरेक्ट तो इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, ना कोई हमारा फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें x कॉमन ले लेते हैं, हमने x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 36x स्क्वायर माइनस 625 बच गया। इसमें जैसे x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, तो x गुना x, एक x बाहर ले लिया एक x रख लिया, तो x गुना x यानी x स्क्वायर आपका बच गया, तो ये इस प्रकार बच गया। इसका मतलब भी अगर कोष्टक से बाहर कोई चीज नहीं होता तो उसका मतलब वहां पर गुना माना जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 36x स्क्वायर हो गया, इसमें 625 में एक x बाहर ले लिया तो 625 बन गया। अब ये 36 है 6 का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 6x का होल स्क्वायर बन गया, और 25 625 होता है 25 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया इसको, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम सूत्र ओपन कर देते हैं,
तो ये हमारा ये a और b 6x माइनस 25 6x प्लस 25 इस प्रकार हमारे इसके गुणनखंड हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और जो भी मैंने आपको समझाया है वह आपको अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले क्वेश्चन करेंगे, अगले फॉर्मूले हैं जो आपके स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।